Na 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 da na 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 da na 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 na. Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. कुछ यादें ताज़ा हुई जरूर होगी मेरा भाई. इतनी iconic tune, इतना iconic BGM आप भूल नहीं सकते. Well friends, मुझे आज भी याद है आर माधवन ने खुद मेरा जो विक्रम वेदा का रिव्यू था उसे ट्वीट करके मुझे थैंक यू लिखा था. एंड गाइस, उस फिल्म का मेरे पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मैंने फिल्म ऑलमोस्ट 3 बार थिएटर में देखी थी, वो भी तमिल में. दैट फिल्म वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. विजय सेतुपति एंड आर माधवन इन वन फ्रेम. और जैसे मैं फिल्म देख के निकला था, माई ओनली विश वॉज दैट कभी ना कभी काश ये फिल्म हिंदी में बने और उसमें कोई बड़ा एक्टर हो, धमाकेदार रोल हो. लेकिन यहाँ पर नीरज पांडे, जिसने इस फिल्म की हिंदी स्क्रिप्ट लिखी है, ही हैज पुल्ड ऑफ अ कास्टिंग कूप. लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसी कास्टिंग विक्रम वेदा के लिए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी. मैं खुद शॉक में हूँ कि जो स्टार विजय सेतुपति कैरेक्टर निभाने वाला है उसने वो करने के लिए हाँ कहा है. एंड इफ दिस फिल्म कम्स आउट इवन 10% ऑफ व्हाट विक्रम वेदा वाज, रिकॉर्ड्स विल बी स्मैश्ड लेफ्ट एंड राइट. ये मास फिल्म है मेरा भाई, ये मास फिल्म है. ये दिमाग के खेल का एक शतरंज के खिलाड़ी रहते हैं, क्या उसको लगता है कि नहीं मैं इसके ऊपर हूँ, बोलता है तू क्या मैं तेरे ऊपर हूँ. किस तरह वो एक दूसरे के झाल में फंसते हुए चले जाते हैं और इनमें पता चलता है कि बाजी किसी और की है. एंड जिस तरह से विजय सेतुपति अपने आप को सरेंडर करने के लिए जेल में आता है, ओह, और जो म्यूजिक बजती है टा ना 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 ना, किस तरह का एक नॉन लीनियर यू नो एक फिल्म का नरेशन है. विक्रम वेधा कम्स टू बॉलीवुड, ऑफिशियल कन्फर्मेशन. यस मेरा भाई, आमिर खान इज गोइंग टू प्ले विजय सेतुपति's रोल. एंड सैफ अली खान, थैंक्स टू हिज सरदार अवतार एंड पुलिस सरदार अवतार इन नेटफ्लिक्स सेक्रेट गेम्स एंड सेक्रेट गेम्स 2, ही गेट्स टू प्ले द पुलिसमैन विच आर माधवन प्लेड इन द तमिल फिल्म. यानी कि विजय सेतुपति के कैरेक्टर आमिर खान निभाएंगे और सैफ अली खान निभाएंगे आर माधवन का कैरेक्टर, जो कि पुलिस ऑफिसर था. इस फिल्म की जो डायरेक्शन का कमान है वो इसके जो डायरेक्टर्स है तमिल में, यानी कि पुष्कर एंड गायत्री, वही निभाएंगे. इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे स्टूडियोज वाई नॉट रिलायंस एंटरटेनमेंट, और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ में नीरज पांडे, जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी स्क्रिप्ट को लिखा है. अब ये फिल्म शुरू होगी तो कब होगी? मतलब हम सब जानते हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते से आमिर मामू लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने वाले हैं, तो ये कंफर्म है. मार्च के महीने में, यस फ्रेंड्स, मार्च के महीने में विक्रम वेदा की शूट शुरू होगी. अब वो कितना टाइम लगेगा, कब रिलीज होगा, ये आमिर खान की फिल्म है, ये कोई छोटा एक्टर की फिल्म नहीं है. एंड आमिर खान इज द किंग ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी. मुगल उन्होंने साइन करके मना कर दिया नहीं करने के लिए, तो जब तक ये फिल्म फ्लोर पर नहीं जाती, आप क्लैप बोर्ड मुहूर्त नहीं देख लेते, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि आमिर खान ने मुगल साइन करके मना कर दिया था कि मैं उसमें काम नहीं करूंगा. अभी भी भूषण कुमार बोल रहे हैं कि सब आमिर खान के हाथ में, वो मुगल करेंगे कि नहीं करेंगे. जब तक आमिर खान खुद अपने मुंह से नहीं कह देते या फिर वो सेट्स पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं. लेकिन इतना कंफर्म है कि यस, ही हैज सेड यस टू दिस फिल्म. एंड सैफ वर्सेज आमिर, विक्रम वेदा रीमेक कन्फर्म्ड, साइन सील्ड एंड डन. शूट बिगिंस मार्च 2020. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसमें साइनिंग ऑफ. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.